हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए, जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूँ, फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। प्रभुनाथ, यह है महाराज सुग्रीव और महाराज यह है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। अब हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है महाराज। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं हम। महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं, उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूं, यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है और मेरी प्रकृति में
स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंक के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य है राम, मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है।
मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूँ। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वे सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ है, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हो, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा उसकी सेवा ही करता रहा हूं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूं। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा।
मालिक, मालिक किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाले, बाले, अरे ओ बाले, किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्कंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जाओ सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली, कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहले। अरे दोनों भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। भैया जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझ कर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहां तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायर हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यहीं गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज या प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पहरे पे खड़े रहना, समझे? बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए एक वर्ष बीत गया। पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूट कर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया, रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा, मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए, उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी। परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर कि राजा के बिना सारा वानर साम्राज्य
बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। बाली वास्तव में मरा नहीं था, लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था जिसे बाली ने मार डाला था, उसका वध कर दिया था। बाली गुफा के द्वार पर जब आया उसने देखा कि कोई गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख कर गया है, इससे उसे मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार वह इस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राजदरबार में था, बाली वहीं सीधा आ गया। मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, हाथ में आया हुआ राज्य जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत न समझें। मैंने यह राज अपनी इच्छा से नहीं लिया, मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। अभी इसलिए कि राजा रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। यह राज आपकी धरोहर है, यह राज आपका है भैया, मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती, अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो, मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, ये कहकर कि मेरे आने तक यही पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार ना लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है, मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया, अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके ये मृत्यु दंड का पात्र हो गया है। अब मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो अनुचित नहीं होगा? नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तू निर्लज्ज है, तू यहाँ राजा बन के बैठ गया। मैं एक वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आज्ञा अनुसार खड़ा रहा। तू समझा मैं मर गया? फिर जब अंदर से लहू की धार निकली और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वध कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं आज, जान से मारूंगा। डर से कि दानव मुझे भी मार डालेगा और किष्किंधा को उजाड़ देगा, तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तू समझता क्या है कि तू राजा बन गया, किष्किंधा का राज्य हो गया? दुष्ट पापी कायर, भाग के कहां जाता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया न दिखाई। बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रियों और मित्रों को कारागार में डाल दिया है और उनकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया है। धिक्कार है, यह अपराधी उसे मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। बाली, ओ बाली, बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली।
आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। ओ बाली, ये सुग्रीव की आवाज है? हाँ, उसी की है। ये इतने वर्षों बाद अचानक क्या हुआ उसको? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई हो? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा, सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागति सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा, जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाले, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए, चल खुले मैदान में। चल चल तो चल। बार बार लक्ष्य साधता हूं, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ये बाण नहीं छोड़ सकता। महाराज घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो मित्र? वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभाया।
क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता निभाई। क्या बहुत पीड़ा हो रही है? कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है काल। फिर भी आपने मुझे उकसाकर मौत के मुंह में भेज दिया और आप छिपकर मेरे पिटने का तमाशा देखते रहे। रघुनंदन, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही सच सच बता देते कि आप बाली को मारेंगे नहीं तो मैं लोक हसाई कराने तो न जाता। तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, परंतु शांतचित्त करके मेरी विवशता को समझने का प्रयत्न करो। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर प्रकार से एक समान हो। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही है। तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। यदि मेरी भूल से मेरा बाण तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देता तो कैसा धर्म संकट था मेरे लिए। अपनी शरण में आए हुए एक प्राणी को वध करने का कलंक रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देता। इसी कारण मैंने शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। मित्र, अब तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा कैसी है? प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया। प्रभु, मुझे आपके स्पर्श करने से ही मेरी पिछली सारी पीड़ा सब दूर हो गई। एक नवीन उत्साह शक्ति के विद्युत प्रवाह का संचार होने लगा। मेरे प्रभु श्री राम सुखधाम के वृद्धहस्त से मृत शरीर में भी श्वास का संचार हो सकता है। श्री राम की महिमा अपरंपार है। हनुमंत, हमें इस लोक से परे पारलौकिक न बनाओ। ये तो केवल एक मित्र के लिए एक मित्र का सत्य स्नेह और सद्भावना का प्रभाव है। वानरराज सुग्रीव तो केवल एक मित्र ही नहीं, इस समय हमारे आश्रयदाता भी है। मित्र वत्सल, मेरे प्राण आपके अधीन हैं, ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें। अब मुझे आदेश दें, मेरे लिए क्या कर्तव्य है प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली का प्रतिकार, पुनः उससे युद्ध की ललकार। लक्ष्मण जी भैया, निशानी के लिए तुम एक पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना दो, जिससे हम दोनों को पहचान सके। क्यों आज्ञा भैया। दूध लीजिए स्वामी। बाली, कायर, लज्जा से डूब मर। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया, हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, बाहर आ। ओ वाली, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के बद को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए? कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया, लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा।
लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्कंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी यह तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव मेरे हाथों क्यों मरता है, अब भी चला जा। कारों जैसी बात मत कर बाली, यदि माँ का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है तो चल आ जा। चल मारा गया हूं, तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज, क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है, तू विजेता बनता है। अरे पावर, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, कुलद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, धिक्कार है तुझ पर। गए तो तुम ही वो राम हो। आज ये कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण, जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है, इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं है, ये तो व्याध का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपने वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम?
राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। ये तीर निकल जाए तो मैं तेरी जान ले लूं मैं। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है, सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा बोलो? इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है, तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म सत्कर्म न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अभूत बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं, उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से
पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है, तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी बानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहां के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभि कृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गम आयान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद वापि मोक्षाद वा इस्तेना पापात प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए, मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं, उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है, उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, 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 प्रभु। प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो, अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी, प्रभु फिर नहीं मिलेगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। जा सुना कर का
देत सब ही समगति अविनाशी। करी करुणा बिलो कहु देहु जो बर मागू जेही जोन जन्मो करम बस तहां राम पद अनुरागू तहां राम पद अनुरागू। क्या हो गया स्वामी? मैंने बार बार चरण पकड़कर मना किया था, इस समय सुग्रीव से लड़ने न जाइए नाथ, इस समय सुग्रीव से लड़ने न जाइए। किष्किंधा के रत्न स्वर्ण सिंहासन के स्वामी, तुम्हारा स्थान यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े गजराज गिरिराज जिसकी ठोकर से धूल दूसरित हो जाते थे, आज दूर में पड़े हुए हैं। स्वामी नहीं नहीं, उठिए नाथ, आप उठिए। तारा तारा सगरी के, तुम तो ज्ञान का सागर हो, धीरज रखो। देखो तुम्हारे सामने तीनों लोगों के स्वामी श्री राम खड़े हैं। नहीं नहीं देख सकती स्वामी, मेरा तो त्रिलोक तुम ही हो स्वामी। उठो उठो, अपने किष्किंधा के राजभवन में चलो स्वामी, राजभवन में चलो। कुछ कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ ही श्वास शेष है, फिर चाहे जहां ले जाकर प्रतिष्ठित कर देना अपने पति किष्किंधा के राजा बाली को। बेटा जी, मेरा पुत्र, मेरा अंगद अपने कांधे पर उठाकर ले जाएगा अपने अपार बलशाली पिता को। अंगद, अंगद, मेरे लाल, सुधराए तू, अपने प्रतिपालक पिता का आदेश सुधराए तू। हाँ माँ, बेटा जी, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं आपका अंगद हूँ पिताजी। स्वामी अपने वीर सुकुमार लाडले अंगद के मस्तक को चूम कर धीरज तो बंधाइए, इसे कुछ तो संदेश दीजिए स्वामी। अब ये क्रोध और बदले की आग में भभकते काका सुग्रीव के अधीन होकर अपना जीवन कैसे बिताएगा? नहीं, हे सर्वज्ञ, सब पर समान रूप से करुणा करने वाले करुणा निधान, अंगद को अपनी शरण में लेकर इसे भी वही स्नेह सद्भाव प्रदान कीजिए जो आपने सुग्रीव को दिया है। इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए रघुनाथ। अंगद मेरे पुत्र,
तुझे श्री राम प्रभु की शरण में देकर मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है बेटा। अब देश और काल को समझकर कब और कहां कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके ही उसके अनुकूल आचरण करना। अपने पिता के समान बल का दुरुपयोग नहीं करना बेटे। सदैव सुग्रीव काका को ही अपने पिता के समान सम्मान देकर उनकी आज्ञा के अधीन रहना, उनके शत्रुओं का साथ मत देना, सदा स्वामी मानकर सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहोगे तो इनका स्नेह और विश्वास जीत सकोगे पुत्र। समय के साथ ही अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है बेटे। काका पिता के समान होता है परंतु पिता नहीं हो सकता, ये सदा याद रखना। प्राणनाथ, पुत्र को तो पथ निर्देश दे दिया, भाई को किष्किंधा का राज सौंप दिया, परंतु अपने चरणदासी दुखियारी तारा को किसके सहारे छोड़ रहे हो? मेरा तो जन्म मरण सब आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे भी तो कुछ आदेश देते जाइए स्वामी, मुझे भी साथ लेके जाइए स्वामी। तारा, तारा, आज तक कोई किसी को साथ नहीं ले गया, यही ध्रुव सत्य है। अकेले आना, अकेले जाना, यही सनातन सत्य है, सृष्टि का सनातन नियम है। तारा, तारा, तेरा मेरा अब साथ यही तक था। नहीं स्वामी, जीवन के अंतिम शोर तक सुख में दुख में जीवन में मरण में कहीं कभी आपसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ स्वामी। तारा, ओ तारा, आकाश से टूटा नक्षत्र फिर से आकाश में नहीं जुड़ता। देवी, पूज्य वंदनी पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पथिक की आत्मा के लिए वेदना का कारण बन रहा है। शांति से प्राण उत्सर्ग करने दीजिए अपने प्राणाधार को। नहीं, राम, राम। Thank you.
अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम नस्तारक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता संगो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है। इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी, दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नलनील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन।